मेरा नाम वरुण आनंद है एंड आई रन अ डॉग ट्रेनिंग फैसिलिटी एंड ब्रीडिंग सेंटर इन सैनिक फार्म्स दिल्ली. तो मैं वर्किंग लाइन जर्मन शेपर्ड पपीज ब्रीड करता हूँ. सो एज यू कैन सी आई हैव अ लिटर ऑन ग्राउंड. सारे पपीज 38 डेज ओल्ड के हैं अभी. सो दीज आर DDR इनटू चेक वर्किंग लाइन शेपर्ड्स. DDR होते हैं ईस्ट जर्मन वर्किंग लाइन शेपर्ड, प्लस जो इनके फादर हैं वो चेक वर्किंग लाइन शेपर्ड हैं. वेरी वेरी हाई ड्राइव डॉग्स. दीज आर वेरी सोशल डॉग्स. बहुत ही इनका टेम्परमेंट अच्छा है एंड दे आर बेस्ट सूटेड कि किसी पुलिस वर्क में, डिटेक्शन या फिर स्पोर्ट्स में. जो इनकी मदर है कर्मा, जो आपने देखी है वीडियो में, वो ऑलरेडी स्पोर्ट्स करती है. शी डज PSA, जो कि एक अमेरिकन बेस्ड प्रोटेक्शन स्पोर्ट्स एसोसिएशन है. प्लस जितने भी ये पपीज हैं इनका प्रे ड्राइव बहुत हाई रहता है, इनका डिफेंस ड्राइव बहुत हाई रहता है. ये एक्चुअल जर्मन शेपर्ड्स हैं रेदर देन जो नॉर्मली हम लोगों को दिखते हैं शो के जर्मन शेपर्ड, ब्लैक एंड टैन कलर वाले, या पेट होम में बहुत सारे जर्मन शेपर्ड्स होते हैं. उनके अंदर क्वालिटीज़ नहीं होती जर्मन शेपर्ड वाली, यू नो. अगर किसी को एक एक्चुअल में जर्मन शेपर्ड रखना है, जो लोग बचपन से सुनते आते हैं डॉग्स के बारे में कितने इंटेलिजेंट होते हैं, कितने लॉयल होते हैं फैमिली के लिए, तो मेरे ख्याल से वर्किंग लाइन जर्मन शेपर्ड ही वो सारी क्वालिटीज़ आपको दिखा सकता है. केनाइन कंडीशनिंग में एज अ ट्रेनर काम करती हूँ. मेरे को ट्रेनिंग में आए हुए एटलीस्ट 4 ईयर्स हो गए हैं एंड आई हैंडल मोस्ट ऑफ द बोर्डिंग ट्रेन क्लाइंट्स. ये जो लिटर है ये हमारा सेकंड लिटर है. जो पहला था वो जीना का था, डच शेपर्ड, एंड ये अब जो सेकंड हुआ है ये कर्मा का है. इनकी जो पपीज होते हैं, इनकी जो ट्रेनिंग होती है, इट बिगिंस राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे आई वुड से. इनकी जो प्री डेवलपमेंट होती है, जब इनकी फर्स्ट वैक्सीन हो जाए कम्प्लीट, उसके बाद हम शुरू कर देते हैं.
जब ये खाना खाते हैं हम इनका बहुत ज़्यादा साउंड डिसेंसिटाइजेशन करते हैं, तो जब शुरू में ये मम्मा का दूध भी पी रहे होते हैं या फिर जब ये अपना डॉग फूड शुरू करते हैं तो हम कुछ आवाज़ करते हैं, साउंड डिसेंसिटाइजेशन करते हैं जिससे ये सारी साउंड्स के यूज टू हो जाए और इवन ऑब्जेक्ट्स के। एक नॉर्मल ब्रीडिंग और एक अच्छी ब्रीडिंग में फ़र्क क्या होता है? ये स्पेशली वर्किंग डॉग्स में बहुत मैटर करती है क्योंकि वर्किंग डॉग्स को आगे जाके लाइफ में या तो स्पोर्ट्स करने होते हैं या तो कहीं ना कहीं वर्क में लगते हैं, अपनी मिलिट्री के पास होते हैं, आर्मी के पास जाते हैं या पर्सनल प्रोटेक्शन में लोगों के घर पे लगते हैं। तो ये डॉग्स को वैसे भी दूसरे डॉग्स से थोड़ी ज़्यादा ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट हमेशा रहती है। तो जब ये पपीज पैदा होते हैं, पहली चीज़ तो सबसे इम्पॉर्टेंट आजकल क्या है, ENS, दैट इज अर्ली न्यूरोलॉजिकल स्टिमुलेशन, वो पपीज़ की स्टार्ट हो जाती है जब पपीज़ 3 दिन के होते हैं से लेकर जब तक वो 14 दिन के होते हैं। एवरी डे हम हर पपी का ENS करते हैं, उससे क्या होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटीज़ इन पपीज़ की, जिन पपीज़ का ENS नहीं हुआ होता उनसे ज़्यादा होती है। ये पपीज़ ज़्यादा जल्दी ओवरकम कर सकते हैं चीज़ें जो कि हार्डनेस होता है, अगर ये डर जाते हैं जल्दी ओवरकम कर पाएंगे। ये सारी चीज़ें अर्ली न्यूरोलॉजिकल स्टिमुलेशन में अफेक्ट करती हैं, हेल्प करती हैं। दूसरी चीज़ बहुत सारे ब्रीडर्स क्या इग्नोर करते हैं, और मतलब एक स्कूल ऑफ थॉट इंडिया में स्पेशली बना हुआ है कि पपी की ट्रेनिंग 3 महीने में स्टार्ट होती है, पपी की ट्रेनिंग 2 महीने में स्टार्ट होती है। ऐसा नहीं है। आप अगर एक अच्छी जगह से, एक अच्छे ब्रीडर से जिसको अपनी डॉग्स, अपनी लाइंस इंप्रूव करनी है, अगर आप वहाँ से पपी लेंगे, उस पपी की ट्रेनिंग पहले दिन से स्टार्ट हो जाएगी। हम नॉइज़ डिसेंसिटाइजेशन स्टार्ट कर देते हैं पपी की जब वो अराउंड मेरे ख्याल से 4 या 5 दिन के होते हैं, जब अपने मदर का मिल्क पी रहे होते हैं। हम बहुत शोर मचाते हैं, अलग अलग ऑब्जेक्ट से शोर मचाते हैं, हम बर्तन नीचे फेंकते हैं, हेयर ड्रायर चलाते हैं, गाड़ी के हॉर्न बजाते हैं, सो दैट यू नो आगे जाके कोई भी साउंड हो, चाहे दिवाली के साउंड हो, चाहे गन शॉट हो, कुछ भी हो, इन पपीज को 0% अफेक्ट नहीं करता कोई भी साउंड। सेकेंडली हम ऑब्जेक्ट डिसेंसिटाइजेशन इनकी 10वें या 12वें दिन से स्टार्ट कर देते हैं। हम जब ये खाना खा रहे होते हैं, हम बहुत बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स लेके, जैसे टेबलें हो गई, बड़ी बड़ी चेयरें होगी, इनके आसपास घसीटते हैं, सो दैट इनको आदत रहे कि आसपास एनवायरनमेंट में कुछ भी चल रहा हो लेकिन जो काम ये पपीज कर रहे हैं, जैसे कि बचपन में तो खाना ही काम है सिर्फ, तो वो काम से हटना नहीं चाहिए। आगे जाके वही काम डिटेक्शन में कन्वर्ट हो सकता है, वही काम ट्रैकिंग में कन्वर्ट हो सकता है, बट आसपास अगर कुछ कमोशन हो रहा है तो इन पपी को अपने काम से ध्यान नहीं हटवाना। तो मेन चीज़ एक अच्छे ब्रीडर से डॉग लेने का यही फायदा रहता है। ये पपीज़ बेसिकली 3 वीक्स तक तो मैं इनको कम्प्लीटली मदर्स मिल्क पर रखता हूँ, सिर्फ ये मदर्स मिल्क पीते हैं टिल दे आर 21 डेज ओल्ड। आफ्टर दैट मैं पपी डॉग फूड को बिल्कुल ही मैश करके इनको देना स्टार्ट कर देता हूँ, स्टार्टिंग में लाइक 2 बार दिन में, फिर धीरे धीरे हफ्ते बाद 3 बार दिन में, फिर 4 बार दिन में, साथ साथ मदर्स का मिल्क भी चलता है। दूध मदर का 90% तक मेरे हिसाब से 40 डेज तक माँ खुद से पिलाती है, उसके बाद 5 से 7 दिन हम थोड़ा सा फोर्स फीडिंग करा देते हैं लाइक मदर को पकड़ के, ताकि क्योंकि अब इनके दांत आ गए हैं, मदर चाहती नहीं है कि उनका दूध पिए, उसे दर्द होती है, बट फिर भी 5-6-7 दिन जब तक ये 50 डेज के नहीं होते मैं मिल्क पे रखूँ। दूसरी चीज़ ये है कि 60 डेज तक आपको पपी को मेरे हिसाब से डॉग फूड के अलावा कुछ भी नहीं देना चाहिए। कई लोग सेरेलैक ट्राई कर देते हैं, कई लोग दूध ट्राई कर देते हैं, आपको समझना चाहिए इस टाइम पे ये पपी ग्रोइंग पपीज़ हैं, इनकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है इस टाइम पे। एक नॉर्मल, एक एवरेज एडल्ट डॉग से ज़्यादा प्रोटीन इस टाइम पे इनको चाहिए। तो सेरेलैक हो गया या दूध हो गया या दही चावल हो गया, ये सब इनको रिक्वायरमेंट पूरी कर नहीं सकता। तो एटलीस्ट 60 डेज तक आपको सिर्फ डॉग फूड पर रखना चाहिए, उसके बाद मैं इनको चिकन ब्रॉथ और चावल स्टार्ट करा देता हूँ। फिर धीरे धीरे अराउंड 70 डेज के जब हो जाते हैं, ये अपने घर चले जाते हैं, फिर तो इनकी डाइट जो नॉर्मल एक डॉग की होनी चाहिए वो स्टार्ट कर सकते हैं। एक और चीज़ लोगों को इंडिया के अंदर स्पेशली, यू नो यूरोप जाओगे तो कल्चर काफ़ी अलग है, इंडिया के अंदर स्पेशली लोगों को समझना चाहिए कि ये वर्किंग लाइन जर्मन शेपर्ड ही ओरिजिनल जर्मन शेपर्ड है। अब बहुत, अब मार्केट में जाएंगे, यू नो नॉर्मल जर्मन शेपर्ड आपको 20,000 रुपये, 25,000 रुपये के, 30,000 रुपये के मिल जाएंगे, बट ये पपीज़ का प्राइस थोड़ा हाई रहता है। हाई रहने का रीज़न ये है, एक तो इनकी ब्रीडिंग ज़्यादा होती नहीं है, इंडिया के अंदर लाइंस बहुत कम है। दूसरी चीज़, ये वर्किंग डॉग्स है, तो अगर कोई आदमी सोच रहा है कि मुझे सिर्फ ये डॉग चाहिए है या स्टेटस सिंबल के लिए या मुझे बस घर में अपना डॉग रखना है, ये डॉग उनके लिए बिल्कुल भी नहीं बने। ये डॉग्स की रिक्वायरमेंट्स दूसरे एक नॉर्मल पेट से बहुत ज़्यादा रहती है। प्लस बहुत लोगों को एक मिथ होता है वर्किंग डॉग्स के बारे में कि ये बहुत अग्रेसिव होते हैं नेचर वाइज। आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी,
एक जर्मन शेपर्ड अगर अग्रेसिव नहीं है तो एक बहुत बेकार जर्मन शेपर्ड है। एक जर्मन शेपर्ड अगर हर वक्त अग्रेसिव है तो भी वो एक बहुत बेकार जर्मन शेपर्ड है। एक जर्मन शेपर्ड के दिमाग में इतनी स्टेबिलिटी होनी चाहिए कि वो एक थ्रेट को एनालाइज कर सके और फिर अग्रेशन दिखा सके। अब मेरे घर में मेरे दोस्त आएंगे और मेरा डॉग अगर अग्रेसिव हो रहा है तो बहुत बेकार डॉग है, बट अगर मेरे घर में चोर आएगा और वो अग्रेसिव हो रहा है तो वो अच्छा डॉग है। ये जजमेंट एक डॉग अपने दिमाग से खुद ही लेता है और ये चीज आप किसी डॉग को सिखा नहीं सकते। ये चीज डॉग अपने साथ लेके पैदा होता है, जिसे कहते हैं जेनेटिक्स। डॉग अगर जब भी आप लें, कहीं से भी लें, वर्किंग डॉग स्पेशली, हमेशा अच्छे ब्रीडर पास जाए, जिन डॉग्स के जेनेटिक बहुत स्टेबल हों, उनके आप माँ बाप से मिलिए, उनके जेनेटिक्स देखिए, उनकी ड्राइव चेक करिए, उसके बाद ही आप हमेशा एक डॉग लेने का सोचिए। ये जितने भी डॉग्स हैं, जब इनके पेरेंट्स आए थे जर्मनी से एंड चेक रिपब्लिक से, स्पेशली जो ये मेरे डॉग्स हैं, मेरी ब्रीडिंग के डॉग्स, इनके जब पेरेंट्स आए थे, इन सब की FCI पेडिग्री है। FCI एक इंटरनेशनल बॉडी है, जैसे हमारे इंडिया में KCI होता है, ये एक वर्ल्ड रिकग्नाइज बॉडी है। KCI भी FCI से एफिलेटेड है। तो इन डॉग्स के पास FCI पेडिग्री है। KCI पेडिग्री मैं इतना मतलब मैं अपने डॉग्स KCI में रजिस्टर तो नहीं करता हूँ फिलहाल, क्योंकि KCI पेडिग्री का मेरे हिसाब से, मेरे लिए स्पेशली, क्योंकि मैं शोज में तो जाता नहीं हूँ, तो मेरे लिए कोई यूज़ है नहीं। प्लस लोग मुझे कई बार फ़ोन करते हैं, इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ा मिथ है कि अगर डॉग KCI रजिस्टर्ड है तो ही वो एक अच्छा डॉग है। ऐसी ज़रूरी नहीं है। आपको KCI पेपर, अगर आप थोड़े नॉलेजेबल हैं, आपको 500 रुपये में भी मिल जाते हैं। तो इन डॉग्स की सारी रजिस्ट्री ऑनलाइन है, workingdog.eu पे जाके आप इन डॉग्स की ब्लडलाइन चेक कर सकते हैं, इनके पेरेंट्स की, इनके 10-11 जनरेशन के पहले तक आप इन सब की ब्लडलाइन चेक कर सकते हैं। सो आई थिंक FCI पेडिग्री की वर्थ काफ़ी ज़्यादा रहती है KCI से। ओके गाइज, थैंक यू। आई होप यू लाइक माई पपीज। आई हैव दीज 8 ब्यूटिफुल पपीज, एंड किसी अगर कोई दिल्ली में है एंड किसी को अच्छे वर्किंग लाइन जर्मन शेपर्ड्स देखने हैं, उनकी ट्रेनिंग देखनी है, प्लीज़ फील फ्री टू विजिट अस।